हेलो बच्चों, कल हमने रेंज ऑफ लेंथ, मास क्या है, फिर पैरेलेक्स मेथड क्या है, फिर उसके बाद हमने देखा था कि व्हाट इज़ प्लेन एंगल, व्हाट इज़ सॉलिड एंगल, ओके। और हमने एरर्स के बारे में पढ़ा था। एरर क्या है? एरर मींस मेजरमेंट करते समय में जो गलती होती है, ट्रू वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू के बीच का जो डिफरेंस है उसको हम एरर कहते हैं, ओके। अब हमें देखना है, टुडे वी हैव टू सी अबाउट द सिग्निफिकेंट फिगर। व्हाट इज सिग्निफिकेंट फिगर? सिग्निफिकेंट फिगर मींस इन फिजिक्स ऑलवेज द आंसर इज रिटन इन significant figures only. Now what is this significant figures? It is the digits required to express a physical quantity correctly. Okay, मतलब कैसे हैं? Significant figure क्या indicate करता है? Up to what extents the readings are correct. कितने extent तक readings correct है, ये significant figures कहलाता है। जैसे हम example लिया 6.5 सेंटीमीटर, ओके। दूसरा एग्जांपल लिया 6.52 सेंटीमीटर। फर्स्ट जो एग्जांपल है 6.5 में, ये आफ्टर डेसिमल कितने डिजिट्स हैं? सिर्फ वन डिजिट है। मगर सेकेंड में आफ्टर डेसिमल टू डिजिट्स हैं। तो इसका जो फिगर है, ये ऊपर वाला जो है, इसका सिग्निफिकेंट फिगर आएगा 2, और इधर सिग्निफिकेंट फिगर कितना आएगा? 3। मीन्स टोटल फिगर कंटेंट कितना एक्सटेंट? Suppose I am writing that 6.5 is the length of the pencil, okay? और 6.52 भी वही same pencil का length है, तो कौन सा ज़्यादा reliable है? ये जो second वाला है, this second answer is very much accurate and close to that. तो ये जो है ना, तो accuracy second answer में ज़्यादा है. So जितना ज़्यादा figure रहेगा decimal के बाद, उतना ज़्यादा हायर एक्यूरेसी हम फाइंड आउट करेंगे। तो सिग्निफिकेंट फिगर क्या बताता है अपने को? सिग्निफिकेंट फिगर गिव्स द हायर एक्यूरेसी ऑफ द रिज़ल्ट। किसी भी रिज़ल्ट का हायर एक्यूरेसी जो देता है वो सिग्निफिकेंट फिगर देता है। तो सिग्निफिकेंट फिगर में हमने देखा 6.5 सेंटीमीटर, इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना है? 2 है। 6.52 सेंटीमीटर, इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना है? 3 है। सो सिग्निफिकेंट फिगर is what? It is the figure which indicates that up to what extent the readings are reliable. इसके कुछ rules हैं significant figures के find out करने के लिए, कुछ rules हैं जो हमें follow करने हैं। तो first rule क्या है significant figures का? To find out the significant figure, the first rule is that all non-zero डिजिट्स, नॉन ज़ीरो डिजिट्स किसको कहेंगे? ज़ीरो को छोड़ के जितने भी हैं सारे के सारे नॉन ज़ीरो डिजिट्स कहलाएंगे, ओके। तो फर्स्ट रूल क्या है इसके अंदर? ऑन नॉन ज़ीरो डिजिट्स विथ डेसिमल पॉइंट्स आर कंसिडर्ड एज ए सिग्निफिकेंट फिगर। जैसे कि अभी एग्जांपल से ही समझते हैं, 64.53, दूसरा है 6453, तीसरा है 6.45। तीनों एग्जांपल में देखो, फर्स्ट है 64.53, ओके, कोई भी ज़ीरो नंबर नहीं है इसके अंदर, ओके। दूसरा है 6453 और तीसरा है 645.3। इन तीनों का सिग्निफिकेंट फिगर कितना आएगा पता है? टोटल डिजिट्स कंटेंट 1, 2, 3, 4, इसका कितना है? 4। इस पॉइंट का कितना है? 4 है। दिस थर्ड फिगर इज 645, सेकेंड फिगर इज 6453। सब में सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? 4 इज द सिग्निफिकेंट फिगर। ये फर्स्ट रूल है कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स इन ए गिवन नंबर आर सिग्निफिकेंट।
जितने भी नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं सारे के सारे सिग्निफिकेंट फिगर कहलाते हैं। ओके, ये फर्स्ट रूल है। सेकेंड रूल क्या है? ऑल नॉन ज़ीरो अकरिंग बिटवीन, ऑल ज़ीरोज अकरिंग बिटवीन टू नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जैसे 506, अब 506 है, ज़ीरो आ रहा है, मगर ये ज़ीरो इधर क्या होगा? सिग्निफिकेंट कहलाएगा। क्यों? क्योंकि ये ज़ीरो किसके बीच में है? दो नॉन ज़ीरो डिजिट्स के बीच का है। ओके, तो 5 and 6 आर नॉन ज़ीरो। ओके, सो इन दोनों के बीच का जो ये ज़ीरो है उसको हम सिग्निफिकेंट कहलाएंगे। तो इसका डिजिट्स कितना सिग्निफिकेंट हो गए? 3। सपोज़ अभी सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं, 40507। इसके अंदर कितने ज़ीरोज़ हैं? 2 ज़ीरोज़ हैं, मगर ये 2 ज़ीरोज़ का वैल्यू है। क्यों है? क्योंकि ये नॉन ज़ीरो डिजिट्स के बीच में है। तो सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया इसका? 1, 2, 3, 4, 5। क्लियर हो गया? तो दिस इज़ द सिग्निफिकेंट फिगर। सपोज अभी दूसरा एग्जांपल लेते हैं, 4.00526। अब बताओ इसमें क्या होगा? 4.00526, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर? 2 ज़ीरोज़ हैं, मगर दोनों के दोनों ज़ीरो किसके बीच में हैं? नॉन ज़ीरो नंबर के बीच में है, 5 और 4 के बीच में है, इररेस्पेक्टिव ऑफ द डेसिमल। तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर आ जाएंगे इसके अंदर? 6। ये सेकेंड रूल है। सेकेंड रूल क्या बोलता है? ऑल ज़ीरोज अकरिंग बिटवीन टू नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। क्लियर हो गया? ये सेकेंड रूल है। अब थर्ड रूल क्या बोलता है? इफ द नंबर इज लेस देन वन, लेस देन वन अगर कोई नंबर है और उसके अंदर ज़ीरोज हैं, कहाँ पर? राइट ऑफ द डेसिमल। ओके, राइट ऑफ द डेसिमल है तो वो जो ज़ीरो है ना वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं कहलाएंगे। जैसे अभी ये बोलने से अच्छा है इसको एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि एग्जांपल है 0.00526। अभी ये पॉइंट के बाद राइट में कितने डिजिट्स हैं? 2 डिजिट्स हैं। ओके, सो ये 2 ज़ीरोज सिग्निफिकेंट नहीं कहलाएंगे। तो इन इसके केस में कितना सिग्निफिकेंट फिगर हो गए? इसको कहेंगे हम 3। दूसरा एग्जांपल लेते हैं 005.3। 05 के पहले 0 है तो ये 0 सिग्निफिकेंट फिगर नहीं कहलाएगा। तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा? 0। उसके बाद है 5034। यहाँ पर हम 2 ज़ीरो लगा देते हैं, इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना कहलाएगा? 4। क्यों? क्योंकि 5034 इसका वैल्यू है, मगर इसके पहले 2 जो ज़ीरो है उसका वैल्यू नहीं है। ओके, सो ऑल ज़ीरोज़ टू द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट। उसको हम क्या कहेंगे? हम नॉट सिग्निफिकेंट कहेंगे। ओके, मगर फोर्थ रूल क्या है? फोर्थ रूल इज डिफरेंट। ऑल ज़ीरोज़ टू द राइट, जैसे कि 5.400, एक एग्ज़ाम्पल है, दूसरा एग्ज़ाम्पल है 5.00, फिर है 50400। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा? पॉइंट के बाद राइट साइड में है तो क्या होगा? ये 1, 2, 3, 4, ये ज़ीरो को काउंट किया जाएगा। सो कितने फिगर्स हैं इसके अंदर? 4 सिग्निफिकेंट फिगर। इसके अंदर कितने हैं? 3 है। इसके अंदर कितने हैं? इसमें 5। इसमें कितने हैं? तो ये इस तरह से ये क्या कहलाएगा?
ये सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स हैं. दीज आर ऑल द फोर रूल्स ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर्स. क्लियर हो गया. सेकेंड वीडियो में हम